भारत में कुछ पत्रकारों की एजेंसियों द्वारा एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें भारत की जासूसी कराए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यह दावा किया जा रहा है कि पेगासस द्वारा भारत की जासूसी कराई जा रही है। 10 देशों की मीडिया संस्थाओं के पत्रकारों ने खुलासा किया है कि भारत में पेगासस के माध्यम से कई बड़े नेताओं, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की जासूसी कराई जा रही है। फ्रांस की संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया है कि पेगासस का इस्तेमाल भारत की जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन के अनुसार भारत में अब तक 40 पत्रकारों, 3 विपक्षी नेताओं, 2 मंत्रियों और जजों की जासूसी कराए जाने की बात की पुष्टि हुई है। आइए जानते हैं कि आखिर यह पेगासस है क्या। पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की वजह से पता चली थी। पेगासस वायरस को इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल जासूसी करने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा वायरस है जो ऑपरेटर द्वारा किसी भी माध्यम से भेजे गए लिंक पर क्लिक करते ही एक्टिवेट हो जाता है और ऑपरेटर के फ़ोन से जुड़ी हर तरह की जानकारी, व्हाट्सएप चैट, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, सब कुछ आसानी से लीक कर देता है। मैक्सिको, सऊदी अरब की सरकारें और व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी कई अन्य बड़ी कंपनियों ने इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं और इस पर मुकदमा भी किया है। इजरायली फर्म का पहले से ही फेसबुक के साथ मुकदमा चल रहा है। फेसबुक ने 2019 में NSO पर आरोप लगाए थे। फेसबुक ने 2019 में NSO पर आरोप लगाए थे कि उसने अपने वायरस को व्हाट्सएप पर फैलाया है ताकि फोन की सिक्योरिटी को वीक किया जा सके। हालांकि इजराइल की एजेंसी NSO यह दावा करती है कि पेगासस को केवल मान्यता प्राप्त एजेंसियां ही बेच सकती हैं और इसका इस्तेमाल आतंकवाद और अपराधों के खिलाफ किया जाता है। पेगासस को खरीदने वाली सरकार बताती है कि पेगासस को खरीदने का उनका मकसद अपराधों और आतंकवाद को रोकना है, लेकिन कई सरकारों पर भी पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के कई आरोप लग चुके हैं। जासूसी की खबरें सामने आने पर भारत सरकार ने पेगासस के जरिए जासूसी की खबरों को नकार दिया है। सरकार का कहना है कि किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की निगरानी कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। सरकार ने अपने जवाब में साफ कहा है कि सामने आई और छापी गई कहानी बोगस और तथ्यहीन है। सरकार ने पेगासस के द्वारा जासूसी की जुड़ी खबरों को नकार दिया है, लेकिन अगर सच में इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां भारत के पत्रकारों और नेताओं की जासूसी करा रही हैं, तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और अगर ऐसा है तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारत का IT मंत्रालय और नए IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भारत की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे।